हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्ते। ग्लोसी पोर्टिको सर्व संपूर्ण चैनल में फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं ये शो करने जा रही हूँ कि बेलपत्र को हमें शिव जी को कैसे चढ़ाना है, हमारे भोले बाबा को किस तरीके से अर्पित करना है, और इस बेलपत्र में हम कुछ ऐसा लिखेंगे जिससे हमारे भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न हो जाएंगे। साथ ही साथ मैं बेलपत्र से जुड़े कुछ तथ्य और कुछ बातें बताऊंगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। काफी छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा आप सबके लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेलपत्र के जो भी गुच्छे आते हैं मार्केट में, उससे अच्छे तीन पत्ती वाले बेलपत्र सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उनको गंगा जल मिश्रित सादे जल से धो लेंगे, जैसे कि यहाँ मैंने रखा है सिलेक्टेड। ये सारे पत्ते कहीं से भी कटे फटे नहीं है, टूटे नहीं है, अच्छे हैं। तो ये सारे मैंने सिलेक्ट करके रखा है। हम या तो 5 बेलपत्र चढ़ाते हैं, या 7, या 11, 21, 51, इस तरीके से आप जितना आपके पास कलेक्ट हो सके आप उतना चढ़ा सकते हैं। मैं दिखाती हूँ मेरे पास बेलपत्र कितना सारा आया था, और सिलेक्शन में सिर्फ इतने ही पत्ते ऐसे निकले जो कि अच्छे थे। ये सारे बेलपत्र आए थे, इसमें से मैंने छांट लिया है जो जो अच्छे पत्र हैं। ये मैंने केसर चंदन और अष्टगंध चंदन मिश्रण बना लिया है, इसमें गंगा जल मिश्रित जल भी है। अब हम एक बेलपत्र लेंगे और क्या करेंगे, ये है इसका उल्टा साइड जो है रूखा हुआ, हम सीधे साइड जो शिव जी को चढ़ता है चिकने साइड पे हम लिखेंगे राम नाम। तो इस तरीके से आप राम लिख सकते हैं। ऐसे ही हर पत्ते पे आपको लिखना है। ये हमारे घर में सब लोग फॉलो करते हैं, मैंने माँ को भी देखा है बचपन से, जो भी पूजा वो शिवरात्रि की करती हैं उनमें बेलपत्र से राम जरूर लिखती हैं। मान्यता है कि सबसे पहले पार्वती मैया ने शिव जी की पूजा की थी, तो उन्होंने बेलपत्र पे राम लिखकर ही उन्हें अर्पण किया था, और उससे हमारे भोले बाबा अत्यधिक प्रसन्न हो गए थे। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे पत्तों पे ऐसे राम लिखना है, और फिर इसी को आपके शिवलिंग पर या शिव जी के विग्रह पर ऐसे चढ़ा देना है। तो इस बार आप ये कीजिए, हो सकता है आप ये फॉलो करते हो, क्योंकि बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ऐसा शुरू से करते हुए आ रहे हैं। जो फॉलो नहीं करते हैं वो ऐसा कर सकते हैं। और बेलपत्र से जुड़ी कुछ बातें ये हैं कि बेलपत्र 6 महीने तक पुराना नहीं होता है, आप उन्हें बार बार धोकर शिव जी पर चढ़ा सकते हैं। किसी का चढ़ाया हुआ बेलपत्र आप वापस से धोकर भी चढ़ा सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। और बेलपत्र सोमवार को कभी नहीं तोड़े, इसके साथ साथ अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और संक्रांति, इन सारे पर्व पर भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। और बेलपत्र तोड़ते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बेल के वृक्ष को कुछ नुकसान ना हो। और इनके भी काफी आयुर्वेदिक गुण हैं, जैसे हमारी तुलसी मैया के गुण हैं वैसे इनके भी गुण हैं। तो ये सब आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी बेलपत्र से जुड़ी हुई मिल जाएगी। मैंने सिर्फ हाई लेवल डिटेल्स दे दिए हैं जो आपको जानना आवश्यक लगे। ये देखिए, ये है धतूरा और ये है मदार के फूल, जिसको हम आकमन भी बोलते हैं, आक भी बोलते हैं। ये मैंने खुद से तोड़े हैं, यहाँ गार्डन के पास लगे हुए थे,
और ये है आकमन के फूल की माला। हमारे प्रभु के लिए देखिए कितनी प्यारी माला है। कुछ सफेद पुष्प, कुछ पीले पुष्प, बाकी पुष्प और फल तो कल प्रातः कालीन आएंगे, फिर हम उनसे शिव भगवान की पूजा करेंगे। आई होप थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव रहा हो ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। पसंद आए तो लाइक कीजिए। हरे कृष्णा।